तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप दोस्तों सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो भी बच्चे हरियाणा से डिप्लोमा, डी फार्मेसी, डी फार्मा, एम एड कोर्स या अदर कोई सा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो भी आपके ऑड सम के पेपर है योग्रा प्लस रीअपियर का, उनका एचएसपीटी बोर्ड ने सब कुछ क्लियर कर दिया, डेट शीट भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन इन बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर प्रोटेस्ट करना अभी सही होगा या प्रोटेस्ट करना अभी सही नहीं होगा, तो इसी को लेकर मैं इस वीडियो के अंदर बातें करूँगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कोई क्वेरी हो आप कहीं भी पूछ सकते हो, व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चे का 4-5 दिन से कॉल भी आ रहा है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज भी कर रहे हैं कि सर अब प्रोटेस्ट का कुछ बताओ, प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं बता दूँ कि जो भी बच्चे मेरे पास कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, या जो बच्चे मेरे से मैसेज में पूछ रहे हैं इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं करो, ठीक है। आज एक जस्ट अभी कुछ मिनट पहले ही CMO हरियाणा ने एक महामारी अलर्ट को अपने ट्विटर हैंडल पे जारी किया। इसके अंदर हरियाणा के अंदर जितने भी स्कूल थे, कॉलेज थे, ऑफिस थे, दफ्तर थे, उनको 100% क्षमता के साथ खोलने को अनुमति दे दिया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके जो HSPT के डायरेक्टर सर है कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बात किया, आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया, लेकिन अब ऐसा है कि अब सब कुछ सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्रोटेस्ट ना करो, प्रोटेस्ट करने से दोस्तों आप लोग का ही समय व्यतीत होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे डिप्लोमा वाले हैं, स्पेशली डिप्लोमा वालों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग प्रोटेस्ट मत करो, कहीं भी प्रोटेस्ट मत करो, आप लोग पढ़ाई करो। आपके डेट शीट आ चुके हैं, आपके टाइम टेबल भी आ चुके हैं, और डेट शीट के अंदर बहुत अच्छा गैप भी मिला है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट आप लोग नहीं करो, कोई बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो आपके कॉलेज, स्कूल, दफ्तर है जो भी है 100% एफिशिएंसी के साथ खोलने का अनुमति दे दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब बच्चा पढ़ते रहो। और आपका एडमिट कार्ड आपका पेपर से 4-5 दिन पहले आपके कॉलेज में ही आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग रिसीव कर सकते हो। सो थैंक यू।